पलवल जिले के बामनीखेड़ा गांव के यश अस्पताल में पुस्तक विमोचक व एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई। देखिए पूरी खबर पलवल से हमारे पत्रकार योगेश शर्मा के साथ। आज यहां हमारे पंडित किशन पाल शर्मा जी द्वारा रचित भगवान मिले ना पैसा से एक पुस्तक का विमोचन किया गया है और हमारे पंडित जी ने 1000 से भी ज़्यादा लोक गीतों का स्वयं रचना करके हमारे इस सारे क्षेत्र में भजन और उनकी रसिया और लोकगीत गाए जाते हैं और समाज सेवा के कामों में हमेशा आगे रहते हैं। और आज इस अवसर पर यहाँ पर हमारे यश हॉस्पिटल का भी यहाँ पर आज शुरुआत हुई है, उद्घाटन हुआ है। उनकी एक एम्बुलेंस भी यहाँ पब्लिक सेवा के लिए उन्होंने समर्पित की है और आज इस तरीके के जो समाज सेवा के काम हमारे इस ग्रामीण आंचल में हो रहे हैं, निश्चित तौर पर इससे हमारे ग्रामीण आंचल में बहुत सुविधा मिलेगी। और हमारे पंडित जी के लोकगीत पहले सब वैसे ही गाते थे, अब पुस्तक के माध्यम से भी इन गीतों का प्रचार प्रसार हमारे गांव ग्रामीण इलाकों में जन जन तक पहुँचेगा। देखिए आज शहीदी दिवस है, सबसे पहले तो मैं सभी जिन्होंने देश की आज़ादी के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर किए मैं इनको अपनी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मैं एक बात इस अवसर पर सभी से कहता हूँ कि जो हमारे शहीदों की जीवनियाँ हैं, सभी शहीदों का जो जीवन है, जो शहीदों के ऊपर जो हमारी पुस्तकें हैं, हमारे युवाओं को ज़रूर, हमारे आने वाली पीढ़ियों को ज़रूर उनको पढ़नी चाहिए ताकि उन्हें भी देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की भावना से वो ओतप्रोत हों और इस भौतिकवाद के युग में भी उनको देश सेवा समाज सेवा की ओर वो आगे बढ़ें। मेरा इस मौके पर सभी अपने युवाओं से, विशेष तौर पर युवाओं से मेरा आग्रह है। एक्चुअल आज मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है क्योंकि जो ये पुस्तक विमोचन आज हुआ है ये मेरे पिताजी की काफ़ी वर्षों की मेहनत का एक रिजल्ट आज निकल के आया। काफ़ी समय से मेरी कोशिश थी, प्रयत्न था कि मैं उनकी कविता को निकाल पाऊँ लेकिन किसी वजह से बहुत लंबा समय लगा और आज जो ये पुस्तक भगवान मिले ना पैसा से जो आज पब्लिश हुई है, विमोचन हुआ है, उसको लेकर मैं काफ़ी उत्साहित भी हूँ और समाज को प्रेरणादायक ये बुक है। इसमें बताया है कि दहेज प्रथा के बारे में, बच्चों को संस्कार कैसे होने चाहिए, बच्चों को समाज में कैसे मिल के रहना चाहिए, समाज की क्या कीमत होती है, भक्ति और अध्यात्म से जुड़ी हुई बहुत सारी कविताएं इस कविता संग्रह में आपको मिलेंगी, इस बुक के संग्रह में मिलेंगी। और बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों के साथ में इस जो बुक कविता जो पुस्तक विमोचन जो हुआ है, बहुत ही सुंदर सुंदर कविताएं हैं जो समाज को एक प्रेरणादायक एक मैसेज छोड़ती हैं। और दूसरी बात रही एम्बुलेंस की, क्योंकि मैं पिछले 9 वर्ष से ये यश मेडिकल जनरल अस्पताल इस ग्रामीण आंचल में चला रहा हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कभी कभी कि हमारे यहाँ पे इस ग्रामीण आंचल में एम्बुलेंस जैसी सुविधा जो कि बहुत समय पहले हो जानी चाहिए थी जो कि नहीं थी और काफ़ी समय से मुझे इसकी कमी महसूस भी हो रही थी, इसलिए ग्रामीण आंचल में इस एम्बुलेंस सर्विस का हमने आज सर्विस शुरू करी है। डॉक्टर साहब, COVID-19 के संकट के समय में आपके अस्पताल की ओर से और आपकी ओर से काफ़ी सराहनीय लोगों के लिए सहयोग रहा है, क्या मान के चले ये जो एम्बुलेंस की जो आपने योजना आज बनाई है, क्या उस समय जो लोग पीड़ित थे, परेशान थे, उनके दर्द को समझते हुए आपने आज एम्बुलेंस का भी आपने शुरुआत करी है? जी, ये आप बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कोविड के वक्त में इतनी ज़्यादा समस्याएं रही थी कि हमारे यहाँ हर चीज़ की उपलब्धता ना के बराबर थी, चाहे वो ऑक्सीजन को लेके हो, चाहे वो एम्बुलेंस को लेके हो, चाहे वो दवाइयों से लेके रही हो, बहुत सारी सुविधाएं, चाहे बिस्तरों से लेके हो, बिस्तर भी अस्पतालों में अवेलेबल नहीं थे। उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जो कोविड के दौरान तो जो एम्बुलेंस बिल्कुल नॉमिनल चार्ज मिलनी चाहिए उसके कई कई गुना चार्ज लोगों ने किए हैं, जो कि एक समाज में गलत धारणा है, गलत मैसेज है, ऐसा नहीं करना चाहिए, नाजायज़ फ़ायदा किसी का नहीं उठाना चाहिए। और भविष्य में
ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हमें भी सतर्क रहना चाहिए। इस वजह से हमने इस एम्बुलेंस सर्विस का भी एक कोशिश करी है कि एक सर्विस दे रहे, एक उपलब्धता हो इस ग्रामीण क्षेत्र। एम्बुलेंस की सेवा क्या निःशुल्क होगी या कुछ? अभी मैं इस पर आपको पूर्णतः नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो मेरे अस्पताल के आसपास 3 किलोमीटर का एरिया है, उसमें हम अपने अस्पताल तक के लिए या कोई इमरजेंसी है, कोई रोड ट्रॉमा एक्सीडेंट है जिसके पास पैसे नहीं है, उसको फ्री देंगे। जो दे सकता है उससे लेंगे, बिल्कुल फ्री नहीं करेंगे।